लोकसभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा शक्ति एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों आदिवासियों अति पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी।